हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का दर X21 गेमिंग में। तो आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा एक न्यूज़ के बारे में, या आप इसे कह सकते हैं डिस्कशन के बारे में, जो कि अल्फू सर के यूट्यूब चैनल पे किया गया था, जहाँ पर स्पाइडर वाइटी साथ में ही जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, इंडियन यूट्यूबर्स और भी बाकी सारे जो एपेक्स लेजेंड्स का कॉन्टेंट क्रिएट करते हैं वो भी वहाँ पर थे, जैसे कि एजेंट HP और साथ में एपेक्स जोन और साथ में शायद पैरा गेमिंग YT भी थे वहाँ, तो वो भी वहाँ पर थे। और जो समायों थे वो वहाँ चैट्स में थे, लेकिन फिर भी ये चीज़ वहाँ देखी गई और वहाँ पर इस चीज़ के ऊपर ऑब्ज़र्व करने को बोला गया और साथ में इस चीज़ के ऊपर बात की गई, जैसे कि एपेक्स लेजेंड्स के फ्यूचर के बारे में और साथ में ही एपेक्स लेजेंड्स का जो अभी बीटा आ रहा है, ओपन बीटा, उसके बारे में भी बात की गई। लेकिन ये वो टाइम था जब 4th बीटा नहीं आया था, तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे इसके बीटा के हिसाब से समझ लेना। और बाकी इन्फॉर्मेशन सर्वर्स के बारे में भी दी गई है इस वीडियो में। और उसके अलावा यहाँ पर ये भी बताया गया है कि ये जो हम इसमें जो इंडियंस यूट्यूबर हैं वो कोई भी मुहिम अभी चला क्यों नहीं रहे हैं, और क्या हमें चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए, उस चीज़ के बारे में भी डिस्कशन किया गया, और क्या ये इफ़ेक्ट करेगा एपेक्स के ग्रोथ को इन फ्यूचर। तो गाइस, वीडियो को पूरा एंड तक देखें और उसके बाद में ही कमेंट करें। और कंट्रीज के लिए जिन जो जो मतलब ज्यादा ऐसे नहीं है जहाँ पे लो एंड डिवाइसेस चलते हैं, वैसी कंट्रीज के लिए भी लाए इंडिया के साथ। बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, वही चीज है। तो इस सबको ले सकते हैं ना एक साथ, बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, इंडिया को, सबको एक साथ ले सकते हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका, मैं एक बात बोलूं फिर? हाँ, फिर ये क्या होगा ना कि फिर मतलब कि देखिए, अभी मैं घुमा फिरा के फिर वही बात बोलूंगा कि देखिए, अभी ये ना ऑलरेडी गेम बहुत लेट हो चुका है रिलीज होने में। अभी एक बीटा लॉन्च करना मीन्स एक महीने और लेट होना। आप देखो, अभी आपके लिए, मेरे लिए, चलो पूरे इंडियंस के लिए बहुत अच्छी बात है कि आपने बांग्लादेश के लिए लॉन्च कर लिया, लेकिन सोचो ना कोई बंदा जो कि यूके में बैठा है, कोई अफ्रीका में बैठा है, कोई यूएस में बैठा है, यूएस वाले को तो अभी तक बीटा मिला भी नहीं, अब जा करके मिलने को आ रहा है वो भी। हाँ। मतलब अगर आप देखो नॉर्थ अमेरिका में सिर्फ एक सर्वर, साउथ अमेरिका में आप एशिया का देख लो, एशिया में ऑलरेडी चार सर्वर्स है ना टोटल, हाँ चार सर्वर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। और उधर देख लो यूके में एक सर्वर, यूके में तो एक भी सर्वर नहीं है, यूरोप में एक ही सर्वर है, वो आपका जो है क्या नाम है, टर्की। उसके बाद फिर इधर अफ्रीका में एक भी सर्वर, एक चीज मैं देखता हूँ अभी चार से कंपनी के हिसाब से, मतलब अब हम हमारे करने का तो हम लोग कर ही देंगे, बट मेरे को लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली कंपनी विल नॉट अग्री ऑन दिस, क्योंकि ऑब्वियसली अब एक सर्वर को फिर से चालू करने का खर्चा अलग से खर्चा भी इन्वेस्टमेंट वगैरह रहता है, उसमें कॉस्ट है बहुत ज्यादा, वही बहुत ज्यादा कॉस्ट। लेकिन भाई वही चीज है ना, जैसे मैं अभी आपको एक्टिविजन का एग्जांपल दिया था, जैसे इतना ज्यादा हाइप था इंडिया में, मैक्सिमम यहाँ पे रजिस्ट्रेशंस थे, ठीक है, उस समय उसका एक अलग ही लेवल चल रहा था, भाई कॉड मोबाइल भी आ रहा है यहाँ पे, है ना, नया गेम, भाई नया गेम खेलेंगे, तो डाउनलोड्स भी सबसे ज्यादा हुए। उसके बाद जब फोकस नहीं किया, ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि जब एपेक्स यहाँ पे ज्यादा ऑडियंस को मिली नहीं है, तो वो लोग कैसे भाई डिसाइड कर लेंगे, या अपने से ओपन बीटा में सब समझ में आ जाएगा उनको कि भाई क्या करना नहीं करना, क्योंकि अगर ओपन बीटा में होचपोच हो गया ना पूरा इस गेम का, तो भाई वही लास्ट इंप्रेशन बनेगा, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो ओपन बीटा तभी आती है जब लगभग वो गेम रेडी हो चुकी हो, ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता। मेरे हिसाब से ना, मेरे हिसाब से ऑलरेडी लेट हो गया है, अभी अगर एक महीना और लेट नहीं करता, आप देख लो, हाँ वही ऑलरेडी डिले हुआ ना, हाँ एक महीना लेट हो चुका, तो क्या हो गया भाई, एक महीना और लेट हो जाए, लेकिन एक और चांस मिलना चाहिए ना, क्या मिला भाई, पहला बीटा मिला आधे से ज्यादा तो भाई फॉरेनर सीट लेके चले गए, हमको खेलने को ही नहीं मिला, फिर दूसरे एक महीने के लिए नया लाए, 10 दिन के लिए लाए, जैसे कि एकदम ये, जैसे कि इजिप्ट, ये किसके लिए आ रहा है, ये मेक्सिको, ये बाकी कंट्रीज का, हाँ, इसी में ऐड कर देते हैं अगर स्पाइडर भाई, इसी में नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं, सुनो ऐसा नहीं, इसके ठीक बात खत्म करके अभी से तैयारी करने लग जाए इंडिया के लिए, इंडिया और श्रीलंका, मतलब जो कंट्रीज हमारी पड़ोसी देश हैं, अभी से तैयारी करने लग जाए इजिप्ट के, मतलब ये जो आ रहा है फोर्थ, इसके बाद खत्म करके फिफ्थ हमारे इसके लिए लाया जाए, एकदम खत्म होने के कुछ नहीं, असल में मैं क्या चाह रहा था ना, ये टाइम बचाएगा अगर बचाना जो है ना, अगर इसी में इंडिया को भी ऐड कर लेते और हांगकांग को जैसे ऐड किया था, दोबारा कर सकते हैं, करना चाहे उनकी मर्जी, वो मैं तो सुन रहा हूँ कि शायद करेंगे, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं भी करेंगे, लेकिन इसी बीटा में अगर इंडिया को भी इंक्लूड कर लेते हैं, या बांग्लादेश, पाकिस्तान और भी जो हैं, तो इसी में भाई अच्छे से उनको समझ में आ जाता, फिर वो लोग पूरा फुल प्रूफ प्लान के साथ रेडी हो जाते कि भाई अब ओपन बीटा हमें लाना है। स्पाइडर भाई बताओ, मैं ये सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, अगर ये चीज़ करते, हाँ आप तो ये बात तो सही कर रहे हो, लेकिन ये जो प्रॉब्लम हमारा है ना वो डिवाइस स्पेसिफिक है, तो आई थिंक
कोई भी कंट्री में जाओ, हर कंट्री में आपको ऐसा डिवाइस स्पेसिफिक प्रॉब्लम मिलेगा ही। वही मैं बोला ना कि किसी भी कंट्री में हर किसी के पास तो नहीं होगा एकदम टॉप नॉच फोन की। हाँ, क्योंकि देखो कंट्री के बेसिस पे भी चिपसेट में भी फर्क आता है। सेम डिवाइस है आपके पास, बाहर भी सेम है, लेकिन चिपसेट में डिफरेंसेस भी आते हैं। चिपसेट में आई थिंक डिफरेंस नहीं रहता है, वो नहीं रहता है। आप स्नैपड्रैगन और भी जो अलग अलग प्रोसेसर है उस बेसिस पे बात कर रहा हूँ। एक चीज मुझे बताओ, एक चीज ये जो बीटा आने वाला है, फोर्थ बीटा, इसका टाइम पीरियड कितना है, कितने दिन तक चलेगा ये? एक महीने सपोजली, उन्होंने एक महीने से कम है ना स्पेसिफिकेशन तक, ऐसे जनरली तो ये एक महीने से 4-5 दिन कम ही रखते हैं। बोला गया है कि एक महीने के लिए रहेगा, लेट्स सी। अच्छा, अगर 21 को आ रहा है तो नेक्स्ट 21 तक चलना चाहिए, अज्यूम करके चलते 15 तक चले। अभी देखो, अभी हमारे ऑडियंस, मतलब हमारे ऑडियंस लाखों में तो नहीं है लेकिन हजारों में है, तो अगर तो अभी मैं तो कहूंगा कि भाई एक ट्राई करके देखते हैं, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भाई क्या क्या हो गया फिर, नहीं हुआ तो कुछ नहीं। ये हो ये गया ना कि इंटरनेशनल स्टेज, आप नहीं समझ रहे, इंटरनेशनल स्टेज पे वी विल लुक लाइक अ फूल्स, मतलब कुछ भी कर रहे हैं इंडिया वाले, ये क्या हैशटैग चला रहे हैं। क्योंकि अगर वो ट्रेंड पे भी नहीं गया ना, नहीं नहीं ठीक है, अगर ट्रेंड चलाया भी ठीक है स्पाइडर भाई, अगर वो जैसे आपने कहा कि ट्रेंड पे लाने के लिए लाखों की जरूरत पड़ती है ऑडियंस की, है ना, तो जब तक उस लेवल तक नहीं जाएंगे ना, तो हैशटैग एल्फो भाई हम लोग करेंगे भी ना, करने में कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। लेकिन सपोज करो कि हमारे साथ और लोग नहीं जुड़े, तो भाई उससे भी ये लगेगा कि एपेक्स को लेके कोई ज्यादा इंटरेस्टेड है नहीं इंडिया, पता चलेगा एपेक्स की जगह बीजीएमआई का हैशटैग चलने लगे, न्यू स्टेट का चलने लगे। क्योंकि देखो ना, अगर मैं वीडियो कुछ अपलोड करता हूँ एपेक्स के पर्सपेक्टिव से, पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने देखा मैंने रिसेंटली बहुत वीडियो डाले, उसमें इक्का दुक्का बंदा आ ही जाता है जो कि लिख देता है कि एपेक्स घटिया गेम है, एपेक्स का कोई फ्यूचर नहीं, ऐसा करने वाले आ ही जाते हैं। और देखो क्या होगा ना, मान के चलो ये अगर ये जो हैशटैग चलाने का जो काम है और ये फेल हो गया, मान के चलो कुछ भी नहीं हुआ, तो जो जो बंदे होपफुल है ना, एक मॉडल के स्टेटमेंट से कितने बंदों का दिल टूट गया। सोचो अगर ये चीज हमारे तरफ से हमने एफर्ट किया और हमको नहीं मिला, बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे यार कोई मेरे को फायदा नहीं नजर आ रहा, क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे हैं ना जो कि ये सोच करके आ रहे हैं इसके अंदर कि अभी चलो बीजीएमआई में नहीं बन पाया हमारा स्टेटस, तो अभी नया गेम आ रहा है, नया अपॉर्चुनिटी, तो ये सब देख करके कि भाई इसका तो फ्यूचर ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा इसमें दिमाग लगा करके। बहुत सारे ऑडियंस के दिमाग में ये भी चलेगा, क्योंकि